दिलीप कुमार की पहली मूवी 1944 में आई थी ज्वारभाटा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, आगा खान, विक्रम कपूर, मृदुला रानी और समीम बानो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1945 में आई थी प्रतिमा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, स्वर्णलता, मुमताज अली, शाहनवाज। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1946 में आई थी मिलन। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और मीरा मिश्रा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1947 में आई थी जुगनू। इस फिल्म के मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और नूरजहां। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी शहीद। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, कौमनी कौशल, चंद्रमोहन और लीला चिटनिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी घर की इज्जत। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और मुमताज शांति। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी मेला। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नरगिस और जीवन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी नदिया के पार। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, कौमनी कौशल। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1948 में आई थी अनोखा प्यार। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नरगिस और नन्नी जसवंत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी शबनम। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, कौमनी कौशल, जीवन और पारो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1949 में आई थी अंदाज। इसके मुख्य एक्टर थे नरगिस, दिलीप कुमार और राज कपूर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी जोगन। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और नरगिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी बाबुल। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नरगिस और मुनव्वर सुल्ताना। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1950 में आई थी आरजू। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, कौमनी कौशल और शशिकला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्वयं हिट रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी हलचल। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और नरगिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी तराना। इसके मुख्य एक्टर थे मधुबाला और दिलीप कुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1951 में आई थी दीदार। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नरगिस, अशोक कुमार और निम्मी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी दाग। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, निम्मी, उषा किरण और ललिता पवार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी संगदिल। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और मधुबाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1952 में आई थी आन। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, निम्मी, नदीरा और प्रेमनाथ। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी शिकस्त। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नन्नी जसवंत और दुर्गा खोटे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1953 में आई थी फूट फाट। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और मीना कुमारी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1954 में आई थी अमर। इसके मुख्य एक्टर थे मधुबाला, दिलीप कुमार, निम्मी और जयंत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी आजाद। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी और प्राण। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी उड़न खटोला। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, निम्मी और जीवन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी इंसानियत। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, देव आनंद और बीना राय। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। अगली फिल्म 1955 में आई थी देवदास। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, बैजंती माला और मोतीलाल। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी मुसाफिर। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, किशोर कुमार और सुचित्रा सेन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1957 में आई थी नया दौड़। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और बैजंती माला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी यहूदी। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी, शोभना मोदी और नजीर हुसैन। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1958 में आई थी मधुमती। इसके मुख्य एक्टर थे बैजंती माला, दिलीप कुमार, प्राण और जॉनी वॉकर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1959 में आई थी पैगाम। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, बैजंती माला और राजकुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1960 में आई थी कोहिनूर। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, मीना कुमारी और नीला चिटनिस। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म
1960 में आई थी मुगल ए आजम। इसके मुख्य एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1961 में आई थी गंगा जमुना। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला और नासिर खान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1964 में आई थी लीडर। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला और जयंत। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1966 में आई थी दिल दिया दर्द लिया। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण और जॉनी वॉकर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1967 में आई थी राम और श्याम। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और मुमताज। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी आदमी। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, मनोज कुमार, सिमी ग्रेवाल और प्राण। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1968 में आई थी संघर्ष। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वैजयंती माला, बलराज सहनी और संजीव कुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1970 में आई थी संगीना महतो। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और सायरा बानो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1970 में आई थी गोपी। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और सायरा बानो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1972 में आई थी दास्तान। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, शर्मिला टैगोर, बिंदु और प्रेम चोपड़ा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1972 में आई थी अनोखा मिलन। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और प्रोन्नति घोष। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी संगीना। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार और सायरा बानो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1974 में आई थी फिर कब मिलोगी। इसके मुख्य एक्टर थे विश्वजीत, माला सिन्हा और दिलीप कुमार। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1976 में आई थी बैराग। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, सायरा बानो और लीला चंदावकर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1981 में आई थी क्रांति। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और प्रवीण बोबी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी विधाता। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। अगली फिल्म 1982 में आई थी शक्ति। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार और समिता पाटिल। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1983 में आई थी मजदूर। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, राज बब्बर, रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1984 में आई थी मसाल। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, अनिल कपूर और रति अग्निहोत्री। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1984 में आई थी दुनिया। इसके मुख्य एक्टर थे अशोक कुमार, दिलीप कुमार, ऋषि कपूर और अमृता सिंह। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी धर्म अधिकारी। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, जितेंद्र और श्रीदेवी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1986 में आई थी कर्मा। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नूतन, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, श्रीदेवी और पूनम ढिल्लो। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1989 में आई थी कानून अपना अपना। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, नूतन, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी इज्जतदार। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, गोविंदा और माधुरी दीक्षित। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। अगली फिल्म 1990 में आई थी आग का दरिया। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, अमरीश पुरी और रेखा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली फिल्म 1991 में आई थी सौदागर। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोइराला और विवेक मुसरान। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। अगली फिल्म 1998 में आई थी किला। इसके मुख्य एक्टर थे दिलीप कुमार, रेखा, मुकुल देव और ममता कुलकर्णी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। यह मूवी दिलीप कुमार की आखिरी मूवी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।